हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट टू ऑफ चैप्टर फोर, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ऑलरेडी चैप्टर फोर का पार्ट वन, जिसके अंदर हमने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन किया है और उन दोनों का डिफरेंसेस क्या है वो हमने समझा था। सिंपल सा इजी सा टॉपिक था, राइट। ऑलरेडी चैप्टर जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो भी हमने अपलोड कर रही है। होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए अब समझते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो दिया हुआ है पेज नंबर 4.22 पर। लाइफ साइकिल के बारे में आपने शायद सी इंटर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आता था SM, उसमें शायद आपने पढ़ा होगा। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, सभी की कोई लाइफ साइकिल रहती है जनरली, जो इंट्रोडक्शन रहता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर उसका जो सैचुरेशन पॉइंट आता है, मैच्योरिटी पॉइंट आता है, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और वो जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बंद हो जाता है, राइट। ये जनरली यही लाइफ साइकिल रहती है। उसमें कितना पीरियड लगेगा, कितना टाइम, कितने इयर्स, मंथ्स तक चलेगा, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है, बट सभी में जनरली ये लाइफ साइकिल रहती है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन, राइट। इस तरह से लाइफ साइकिल रहती है। तो वो जो लाइफ साइकिल क्या होती है वो शायद आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में समझेंगे, और वो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के बारे में होगा कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी लाइफ साइकिल कैसी रहेगी और उसमें कौन से स्टेज पर, जो भी उनके लाइफ साइकिल के जो भी फेज पर है, वो फेज पर क्या किस तरह से कॉस्ट रहेगा और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा हेल्पफुल हो सके और उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सके, राइट। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम यहाँ पर इसी तरीके से समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए ये इन डिटेल देखेंगे। इसके साथ साथ हम टेस्ट योर नॉलेज के 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है, जो रिलेटेड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, तो वो भी हम यहाँ पर कवरअप करेंगे। The term life cycle can be used in reference to industry, product and customer, but life cycle costing is largely connected with product. Life cycle है वो organization, industry, customer, product किसी के लिए भी हो सकता है, but generally life cycle costing है वो product के बारे में होता है, क्योंकि जो costing है वो product to product अलग अलग रहता है, उसका जो life cycle अलग रहता है, तो उस हिसाब से उसके जो phases है उस हिसाब से costing और strategies रहेगी। तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम समझेंगे वो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज एंड एक्यूमुलेट्स द एक्चुअल कॉस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यूज एट्रिब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू अबैंडनमेंट। जो भी प्रोडक्ट है उनका इंसेप्शन, जब से वो लॉन्च किया जाता है, या फिर इवन उनका जो थॉट प्रोसेस है, आइडिएशन है, डिजाइनिंग पार्ट है, वहां से लेकर जो कॉस्ट स्टार्ट होता है और वो जब तक अबेंडन होता है, डिलीट किया जाता है, मतलब कि बंद किया जाता है वो प्रोडक्ट का सेल, तब तक जो पूरा कॉस्ट कितना रहेगा, क्या किस तरह से हम कॉस्ट है वो इनकर करने वाले हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज क्या कॉस्ट रहेगा, वो सब कुछ देखना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर कवरअप होता है। Life cycle costing aims to maximize the profit that a product is able to generate over its life using the strategies which are the best complement to the features of each stage of the life cycle. जो भी उनके phases है life cycle के, उसी हिसाब से जो best cost और strategies रहेगी उसको consider करके हमें यहाँ पर costing वगैरह देखना होगा। Product life cycle. Each product has a life cycle which may vary from a few days to months to several years depending upon the aging process of the product. The product life cycle is a pattern of types of cost, amount of expenditure, quantum and value of sales, and amount of profit over the stages from conceiving the idea till the deletion of the product from the product range. जो भी प्रोडक्ट है उसका आइडिया कंसीव होता है, जब वो आइडिया के बारे में सोचा जाता है, प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, वहां से लेकर प्रोडक्ट डिलीट होता है, तब तक वो पूरी लाइफ साइकिल रहेगी। उस लाइफ साइकिल में किस टाइप के कॉस्ट होंगे, क्या क्या टाइप के कॉस्ट हो सकते हैं वो देखना, अमाउंट कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया जाएगा, क्वांटम और वैल्यू कितना होगा सेल्स वगैरह का, राइट, कितने क्वांटिटी सेल्स किया जाएगा और सेल प्राइस वगैरह, और उस हिसाब से सेल्स की वैल्यू क्या होगी, एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओवर द स्टेजेस, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो तब सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकर किया जाता है, राइट, क्योंकि अभी तो वो इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर ग्रोथ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है, राइट। मैच्योरिटी पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर यूनिट प्रॉफिट वो शायद कम हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज्यादा होंगे, और फिर डिक्लाइन होगा तब प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाएगा और नेगेटिव भी हो सकता है, और फिर प्रोडक्ट को बंद किया जाता है, उसका सेल बंद किया जाता है प्रोडक्शन। तो वो सारी चीजें लाइफ साइकिल के दरमियान कैसे होगी वो हम यहाँ पर समझेंगे।
इससे पता चलेगा कि हमें क्या कब स्ट्रेटेजीज यूज करनी है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हम अर्न कर पाए। इसके फोर फेजेस जो है, इंट्रोडक्शन, मार्केट डेवलपमेंट और लॉन्च, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इट इज इंपॉर्टेंट हियर टू नोट दैट द अबव मेंशनड फेजेस आर बेस्ड अपॉन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इन रियलिटी देयर इज वन एडिशनल फेज व्हिच टेक्स प्लेस प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, दैट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज इन विच आर एंड डी रिलेटेड टू प्रोडक्ट टेक प्लेस, बट फ्रॉम एकेडमिक एस्पेक्ट इट इज मर्ज्ड इनटू द इंट्रोडक्शन फेज ओनली। ये जो चार फेज है ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन फेज, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है, सेल्स ग्रो होता है एट इंक्रीजिंग रेट, और फिर मैच्योरिटी हो जाता है, मतलब पिक सेल होता है, सबसे ज्यादा होता है, राइट, और फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है। उसके पहले जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज भी आता है, जहां पर प्रोडक्ट का आइडिया जो है उसको R&D किया जाता है, उसकी डिजाइन डेवलप कर की जाती है कि कैसे, किस तरह से उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, वो सारी चीजें भी होती है, बट उसको जनरली इंट्रोडक्शन फेज में ही कंसिडर किया जाता है फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इस तरह से ये चार फेजेस रहेंगे। इसका हमें यहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ है, डायग्राम, ये टाइम और ये सेल्स एंड प्रॉफिट, ये जो लाइन है, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज हुआ, राइट, उसमें सेल्स वगैरह होगा वो कम होगा, धीरे धीरे वो ग्रो होगा तो जो सेल्स है वो बढ़ता जाएगा। फिर ये मैच्योरिटी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये पिक सेल है, राइट, सबसे ज्यादा, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। ये कितने साल कहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट में कितने साल लग जाएंगे इंट्रोडक्शन में, या कितने साल ग्रोथ में, या फिर कितने साल मैच्योरिटी में, वो कोई भी नहीं कह सकता। ये सालों लग सकते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होगी जो एक साल में इंट्रोड्यूस होकर डिक्लाइन होकर खत्म भी हो जाता है, कुछ 100 साल से भी चलती रहती है, कुछ बहुत ही ज्यादा साल के लिए हो सकती है। तो ये जो लाइफ साइकिल है कोई भी प्रोडक्ट की वो वेरिया होगी, डिफरेंट हो सकती है, राइट, बट जनरली ये चार फेजेस में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट लाइन भी दे रखी है, और यहाँ पर जो फिफ्थ और जो फर्स्ट फेज जनरली होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो भी दिया हुआ है, जहां पर प्रॉफिट जो है वो कम होगा, इंट्रोडक्शन में भी सबसे कम होगा, उसमें लॉस होने के चांसेस है, राइट, क्योंकि वहां पर क्या है कि खर्चा ज्यादा होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह का, R&D का एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ होगा, अभी इतना सेल भी नहीं होगा, इवन मार्केटिंग पर भी ज्यादा हमें स्पेंड करना होगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए भी ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट किया जाता है, इसीलिए सेल्स कम होता है बट एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन फेज है वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में होगा, इवन लॉस होने के भी चांसेस है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ग्रोथ फेज में वो बढ़ सकता है और मैच्योरिटी फेज में वो सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, पर वो धीरे धीरे कम भी होगा मैच्योरिटी फेज में, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो शायद आपको मार्केट प्राइस कम करनी पड़े, राइट, सेलिंग प्राइस जो है वो कम करनी पड़े, ऐसा हो सकता है, और फिर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा डिक्लाइन फेज, और वो नेगेटिव में हो सकता है डिक्लाइन फेज में, एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल तो वो जीरो हो जाएगा, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, फिर वो प्रोडक्ट को बंद किया जाता है, राइट। तो ये इस तरह से हमारा चार फेजेस, और ये एडिशनल फेज जो समझाने के लिए आपको दिया हुआ है, बाकी वो इंट्रोडक्शन फेज का ही पार्ट रहेगा। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू नोट दैट रेमंड वेनन डिफाइंस फाइव फेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी विच ही डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द हेक्सर ओहलिन मॉडल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दिस फेजेस आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, सेचुरेशन एंड द अबेंडनमेंट। सेचुरेशन भी दिया है कि बस अब ये बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब ग्रोथ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अब सेल्स नहीं बढ़ सकता, बट जनरली उसको मैच्योरिटी के साथ ही कवर अप किया जाता है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द फीचर्स ऑफ ईच ऑफ फोर फेजेस एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटजीज प्रायर टू डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, की चारों फेजेस क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो समझा जाएगा, और उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटजीज है वो डिसाइड किया जाएगा। ये आप ये पांच फेज याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको जो पूरा समझाया हुआ है वो चार फेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन के बारे में ही समझाया है। ये सैचुरेशन पॉइंट अलग से, सैचुरेशन फेज अलग से नहीं दिखाया है, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है स्टेज वन, इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टेज वन इज वेयर द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, यहाँ पर मार्केट को लॉन्च किया जाता है,
एज द प्रोडक्ट इज नोवेल देर इज मिनिमल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अभी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नहीं पता है, मार्केट में किसी को नहीं पता है, इसीलिए अवेयरनेस है वो फैलानी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, पता चलना चाहिए कि ये कोई प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है और उसका यूज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा हो सकता है। कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल एंड प्रॉफिट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। कॉम्पिटिशन नहीं होगा क्योंकि अभी कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसीलिए कॉम्पिटिशन होने के चांसेस कम है। और तो और यहाँ पर प्रॉफिट भी होने के चांसेस नहीं है क्योंकि अभी एक्सपेंसेस ज्यादा इंकर किए होंगे और इतना सेल्स नहीं होगा, इसीलिए प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है। द लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज कितना लंबा होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा टाइम लगता है उसको एडॉप्ट करने में, कस्टमर्स जल्दी परचेस नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि मार्केट में तुरंत ही वो इंट्रोड्यूस होती है और तुरंत ही वो चलने लगती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज उस केस में काफी कम हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में अगर देखना है तो उसमें मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, राइट। अभी मार्केट में अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट शायद नया है, तो उसके लिए मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी कम होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, राइट। ये इंट्रोडक्शन स्टेज रहेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर समझाए हुए हैं। डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अभी हमें ऐसा सोचना होगा कि प्रोडक्ट का लेबलिंग ब्रांडिंग किस तरह से किया जाएगा ताकि जो कस्टमर्स है वो जल्दी परचेस करे, कस्टमर्स के लिए वो हेल्पफुल और यूजफुल हो, उनको अच्छा लगे और वो ज्यादा परचेस करे। तो हमें ये सारी चीजें पहले ध्यान में रखनी होगी। पहले से ही अच्छा सा अगर ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग किया होगा तो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता है। हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करनी है। प्रॉफिट्स आर लो और नेगेटिव ड्यू टू लो इनिशियल वॉल्यूम। प्रॉफिट कम होने के चांसेस है, इवन लॉसेस होने के भी चांसेस है क्योंकि सेल्स इतना नहीं होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होते होंगे, इवन मार्केटिंग स्पेंड भी बहुत ज्यादा होगा। प्राइसिंग में भी लो पेनिट्रेशन और हाई स्कीमिंग प्राइसेस। अब जो प्राइसिंग है वो दो तरीके से हो सकती है। अगर आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना है, मतलब कि ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए, ज्यादा कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, तो आप कम प्राइसेस रख सकते हैं जिस वजह से ज्यादा कस्टमर्स है वो आपकी ओर आएंगे। और जो दूसरा है वो हाई स्कीमिंग प्राइसिंग है। हाई स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि पहले बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी जाती है, फिर धीरे धीरे वो प्राइस है वो कम किया जाता है। अगर आप जियो की बात करें तो जियो जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें क्या था, मार्केट पेनिट्रेशन करना था, इसी वजह से फ्री में वो रिचार्ज वगैरह देते थे, इंटरनेट फ्री में देते थे, फिर धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ा रहे, राइट। उनको मार्केट पेनिट्रेट करना था, हो गया, मार्केट शेयर ज्यादा बन गया। हाई स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि पहले R&D कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हुआ है, डिजाइनिंग डेवलप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो जो प्राइसेस है वो सबसे ज्यादा होंगी, फिर वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इवन ऐसा होता है कि जब भी कस्टमर्स को प्राइस है वो अगर बढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बट कम करते हैं तो अच्छा लगता है। तो हाई स्कीमिंग प्राइसिंग में ये बेनिफिट मिल सकता है कि उनकी जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगी, कम होती जाएगी, तो कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, राइट। बट मार्केट पेनिट्रेट करना है अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो जो कम प्राइस है, राइट, लोअर प्राइसेस पर मार्केट को पेनिट्रेट किया जा सकता है, मार्केट शेयर बढ़ाया जा सकता है। ह्यूज एफर्ट्स टू अट्रैक्ट वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। अभी मार्केटिंग चैनल्स किस तरह से सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होंगे क्योंकि अभी ये मार्केट या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता नहीं है, राइट। मार्केट में लेकर आना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस। ज्यादा ही प्रमोशन करना होगा, एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके से पता चलना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। रिफाइनमेंट मतलब कि चेंजेस करना, इंप्रूव करना, अपग्रेड करना। अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इसमें रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, कस्टमर्स का कुछ फीडबैक आएगा, राइट, सेल्स वगैरह किस तरह से, कंप्लेंट्स क्या है, उस हिसाब से उसमें रिफाइनमेंट वगैरह हो सकता है। अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा तब रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, वो कोई एक स्टेज पर थोड़ा सा सेल्स बढ़ेगा, फिर हम इसमें रिफाइनमेंट, अपग्रेड, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फ्यू कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूस बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अभी कॉम्पिटिशन कम होगी, कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं होगा, तो इसका बेसिक वर्जन है वो शायद अवेलेबल होगा, बट एग्जैक्ट इस तरीके की कॉम्पिटिशन इसमें अवेलेबल नहीं होगी। फोकस ऑन दोज बार्स वो आर
द मोस्ट रेडी टू बाई, जो ज्यादा परचेस करने के लिए रेडी है, ऐसे बायर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए तो ज्यादा परचेस होने के चांसेस है, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इंट्रोडक्शन स्टेज के। अभी यहाँ पर मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट। तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस एंड एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स वो करने रहेंगे। यहाँ पर डिसीजन होंगे प्रोडक्ट लेबलिंग, ब्रांडिंग वगैरह के। मार्केटिंग अच्छे से होगा तो प्रोडक्ट लेने के लिए कस्टमर्स आएंगे, फिर उसका यूज करेंगे, राइट, और फिर वो ज्यादा परचेस कर सकते हैं। इसीलिए पैकेजिंग वगैरह काफी अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्रॉफिट्स यहाँ पर कम हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। प्राइसिंग है वो आप लो प्राइस रख सकते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट शेयर के लिए, या फिर हाई स्कीमिंग प्राइसिंग रख सकते हैं जिसमें धीरे धीरे आप प्राइसेस है वो कम कर सकते हैं। हाई स्कीमिंग प्राइसिंग जनरली R&D एक्सपेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस जब ज्यादा होता है तब हाई स्कीमिंग प्राइसेस है वो यूज किया जाता है। फिर एफर्ट्स मार्केटिंग चैनल के लिए भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग चैनल अवेलेबल डेवलप्ड नहीं होगा तो उसे डेवलप करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ है तो उसमें इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन अभी पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटिटर्स कम होंगे, राइट, तो अभी कॉम्पिटिशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, कस्टमर्स को अपनी ओर खींचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बायर्स जो है कि जो तुरंत परचेस करने के लिए रेडी है उसके ऊपर फोकस करना होगा, ऐसे बायर ग्रुप को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजीज कौन सी अप्लाई किया जाएगा जिससे इंट्रोडक्शन स्टेज आपका फटाफट कंप्लीट हो और ग्रोथ स्टेज में आप एंटर कर पाए। अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज, इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू ट्राई एंड बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर्स को ट्राई एंड बाय द प्रोडक्ट करेंगे तो अगर ट्रायल में अच्छा लगेगा तो वो परचेस करने के लिए रेडी हो सकते हैं। इसीलिए ट्राई एंड बाय फ्री आप सैंपल्स दे सकते हैं, तो उस वजह से लोग आपकी ओर आ सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग और एक्सपांडिंग चैनल एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप, आपको स्ट्रेंथन करना है चैनल सप्लाई चेन वगैरह को, क्योंकि अभी डेवलप्ड नहीं होगा तो उसे डेवलप करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं जिससे सप्लाई चेन है वो स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए और कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए। बिल्डिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट बूस्ट चैनल इंटरमीडियरीज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, जो चैनल के इंटरमीडियरीज है उनके साथ सपोर्ट, उनकी एबिलिटी विजिबिलिटी है वो बढ़ानी है, उससे कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट जल्दी से टाइमली सेटिस्फैक्टरीली पहुंच पाएगा। सेटिंग प्राइसेस इन अलाइनमेंट विद द कॉम्पिटिटिव रियालिटीज ऑफ द मार्केट, प्राइसेस है वो अलाइन होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव फोर्सेज रियालिटीज के साथ, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर होने के चांसेस है, सब्स्टिट्यूट्स होने के चांसेस है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग होना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और कंपटीशन होने के बावजूद जो लोग है पर कस्टमर्स है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेस करे, तो इस तरीके की प्राइसिंग होनी चाहिए। वो दो तरीके से हो सकती है जो हमने आगे समझा, राइट। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको अप्लाई करनी है ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, राइट, जिसमें कस्टमर अवेयरनेस के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह करने होंगे, ट्राई एंड बाय ऑफ द प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, आपको जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो चैनल्स है उसमें रिलेशनशिप वगैरह स्ट्रेंथन करने रहेंगे, जो ब्रांड को सपोर्ट करे, जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करे, इस तरह के जो चैनल्स है उन सभी को आपको बिल्ड करना है, विजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, एंड आपकी जो प्राइसिंग है वो अलाइन होनी चाहिए विद कॉम्पिटिशन रियालिटीज, राइट। आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें ये जंबलिंग कर दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर आइडेंटिफाई करने हैं विचार फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज, विचार फ्रॉम द ग्रोथ स्टेज, ऐसे कुछ एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। इवन स्ट्रेटेजीज में ऐसा जंबलिंग करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे और पूछते हैं कि मतलब सिचुएशन या फिर केस सिनेरियो बेस्ड दिया है, आपको पूरी अच्छे तरीके से स्टोरी बताई गई है और फिर पूछा है कि ये प्रोडक्ट कौन सा स्टेज में है अपने लाइफ साइकिल के, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि चारों ही जो स्टेजेस है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटेजीज आपको समझाई गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब मैंने नवंबर 18 में ये पेपर दिया था CA फाइनल में SCMBE में जो था, तो तब उसमें ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रेटेजीज को पूरा जंबल कर दिया था, आई थिंक 16 मार्क्स का या फिर 12 मार्क्स में आई थिंक था, तो 12 पॉइंट्स दे रखे थे और फिर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था विच कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटेजीज आर फ्रॉम विच स्टेजेस, राइट। तो सिर्फ वो नंबरिंग वगैरह लिखना था, तो ऐसे क्वेश्चन पहले जब पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा था तो उसमें भी एक बार पूछा हुआ है, तो एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, इवन IBS में भी पूछ सकते हैं जिसमें जंबलिंग करके आपको बता दिया कि कौन से स्टेजेस में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, राइट। काफी सिंपल हो सकता है, बट पर अच्छे से समझना और याद रखना होगा तभी आपको वो आ जाएगा, तभी आपका करेक्ट हो सकता है।
चलिए स्टेज टू है ग्रोथ स्टेज. द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द ग्रोथ स्टेज. सेल्स आर बिगिनिंग टू एक्सपांड रैपिडली बिकॉज ऑफ ग्रेटर कस्टमर अवेयरनेस. ग्रोथ स्टेज में सेल्स है वो बढ़ेगी क्योंकि अभी कस्टमर अवेयर होते जाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा परचेस करेंगे. कॉम्पिटिटर्स ऑफन एंटर द मार्केट इन लार्ज नंबर्स. ग्रोथ स्टेज ग्रोथ हो रही है मतलब कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, इसी वजह से कॉम्पिटिटर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे टू लॉन्च दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट और कॉम्पिटिशन बढ़ने के चांसेस है. एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन प्रॉफिट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग नियर द एंड ऑफ द ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज के आसपास प्रॉफिट कम होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होगा, तो आपको शायद सेलिंग प्राइसेस कम करने रहेंगे और कॉम्पिटिशन के हिसाब से मार्केट के हिसाब से सेलिंग प्राइसेस डिसाइड होंगे और उस वजह से प्रॉफिट कम होने के चांसेस हो सकते हैं. राइट, मतलब कि पर यूनिट प्रॉफिट है वो कम होगा बट टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ेगा. राइट, और ग्रोथ स्टेज में जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा. मतलब कि अगर फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में जो ग्रोथ स्टेज का फर्स्ट ईयर है उसमें 5% से सेल बढ़ा, तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि 8% से बढ़े, फिर 10%, 12% से बढ़े, इस तरह से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा. राइट, ग्रोथ स्टेज के अंदर तो ग्रोथ स्टेज में जो सेल्स है वो एक्सपांड होगा, बढ़ता जाएगा. राइट, फिर कॉम्पिटिशन भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे और कॉम्पिटिशन की वजह से एट द एंड ऑफ द ग्रोथ स्टेज जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होने के चांसेस है, पर यूनिट प्रॉफिट डिक्लाइन होने के चांसेस रहेंगे. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. जो बिजनेस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा सेल होता जाएगा और कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर बढ़ेगा. सेल इंक्रीज एट एन इंक्रीज रेट इन अर्ली ग्रोथ स्टेज. जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाएगा. राइट, जैसे मैंने बोला था कि 5%, 8%, 12% इस तरह से बढ़ेगा. न्यू चैनल्स टू हैंडल एडिशनल वॉल्यूम्स एंड न्यू मार्केट. आपके पास अब जो सप्लाई चेन के लिए, मार्केटिंग के लिए जो चैनल्स है वो बढ़ेगी और तो और जो न्यू मार्केट्स होंगे वो भी आपके लिए ओपन अप होंगे, तो वहां पर भी आप सेल कर पाएंगे क्योंकि ग्रोथ हो रहा है अभी. शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट कन्विक्शन. अब प्रोडक्ट अवेयर के अवेयरनेस के बारे में जरूरी नहीं है, उसका कन्विक्शन, उसको यूज करने के लिए उसका ज्यादा यूजफुल, ज्यादा लोग परचेस करें उसके ऊपर अब फोकस किया जाएगा. ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेड ऑफ बिटवीन हाई प्रॉफिट्स एंड हाई मार्केट शेयर. अब आपको ट्रेड ऑफ बैलेंस करना होगा हाई प्रॉफिट और हाई मार्केट शेयर के बीच. राइट, क्योंकि अगर आपको मार्केट से ज्यादा चाहिए तो शायद आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होनी चाहिए, कम प्राइसेस होनी चाहिए और उसी वजह से प्रॉफिट है वो कम हो सकता है. बट अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो शायद आप ज्यादा सेलिंग प्राइसेस रख सकते हैं. तो आपको वो प्रॉपर बैलेंस करना होगा कि हाई प्रॉफिट्स और हाई मार्केट शेयर दोनों ही बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे. इम्प्रूविंग एंड और एडिंग फीचर्स और स्ट्रेटेजिक लोअरिंग ऑफ प्राइसेस टू अट्रैक्ट मोर बायर्स. जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो हमने चैप्टर वन में समझा था, राइट, कि कॉस्ट लीडरशिप या फिर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये दोनों की वजह से ही आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल सकता है. या तो आप कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं और प्राइसेस है वो कम कर सकते हैं जिससे मार्केट शेयर बढ़ेगा. राइट, या फिर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स दे सकते हैं कि जो और कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है और उसी वजह से लोग आपसे परचेस करने आएंगे और आपका जो सेल है वो बढ़ेगा. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप, उन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना रहेगा. सेम प्रमोशनल स्पेंडिंग और स्लाइटली हायर. यहाँ पर प्रमोशनल जो एक्सपेंसेस रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट है, वो ज्यादा करने पड़ेंगे. राइट, इंट्रोडक्शन से भी शायद ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इसीलिए ज्यादा सेल्स के लिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. एजुकेटिंग मार्केट इज मेन गोल. मार्केट में एजुकेशन कि ये प्रोडक्ट जरूरी है, क्या इससे बेनिफिट मिलते हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए. तो एजुकेशन भी जरूरी है मार्केट के लिए, तो ज्यादा परचेस होगा. The length of the growth stage varies according to the nature of the product and competitive reaction. Right? Growth stage कितना लंबा होगा वो depend करता है. Right? हर product to product market में क्या reaction है, competitors के क्या reaction है, उसके ऊपर depend करता है. तो ये सारे characteristics growth stage के हैं. Growth stage में volume और competition दोनों ही increase होगा, बढ़ता जाएगा. Right? और जो sales है वो increasing rate से increase होगा, जो early growth stage है वहां पर. फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने के चांसेस हो सकते हैं. सेल्स, टोटल सेल्स डिक्लाइन नहीं होगा बट उनका जो इंक्रीमेंट है वो कम होता जाएगा. फिर न्यू चैनल्स जो सप्लाई चेन के, मार्केटिंग के है, वो अवेलेबल होंगे, न्यू मार्केट्स अवेलेबल होंगे. अब जो एम्फेसिस होगा वो प्रोडक्ट अवेयरनेस से प्रोडक्ट कन्विक्शन पर होगा.
हाई प्रॉफिट और हाई मार्केट शेयर के बीच ट्रेड ऑफ बैलेंस करना रहेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप, कोई एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। दोनों ही एक साथ करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, एक प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरी प्रोडक्ट में आप कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो हम अभी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो जनरली प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होगा। तो उसमें आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप दोनों में से एक ही चूज करना चाहिए एट अ टाइम। Then promotional spending होगा, वो ज्यादा होगा compared to introduction stage, क्योंकि competition भी ज्यादा होगा। Educate करना है market को, right? And जो length of growth stage है वो depend करता है product, competition, etc. चीज़ों पर। अब उसमें क्या क्या strategies हम apply करेंगे? Establish a clear brand identity through promotional campaign। Brand identity होनी चाहिए कि ये अलग brand है, इसका purchase करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के टाइम पे ब्रांड के बारे में नहीं पता था, बट अभी ग्रोथ स्टेज में ब्रांड के बारे में लोग ब्रांड देखकर वो परचेस करेंगे, वो स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट है वो डिमांड करेंगे। तो उस हिसाब से ऐसी प्रोडक्ट हमें बनानी है जो ब्रांड ब्रांड हमें बनानी है, राइट? तो ज्यादा परचेस करने के चांसेस है, और वो प्रोमोशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह से हो सकता है। मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी टू अश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी ज्यादा कस्टमर है वो आएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ स्टेज पर ग्रोथ तभी होगा अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। पहली बार शायद वो परचेस कर सकते हैं, बट दूसरी बार तभी परचेस करने आएंगे अगर वो क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री होगी, राइट? तो इसीलिए इंट्रोडक्शन स्टेज में शायद क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रोथ स्टेज में तो इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, इंट्रोडक्शन स्टेज पर भी होगी ही, क्योंकि वो पहली बार परचेस करेंगे तो दूसरी बार तभी आएंगे अगर वो क्वालिटी बराबर होगी। बट अगर ग्रोथ स्टेज में अगर क्वालिटी कम होगी तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा होगी, तो वो तुरंत ही दूसरे कॉम्पिटिटर की ओर, दूसरे सप्लायर की ओर जा सकते हैं जो कस्टमर था। इसीलिए क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना रहेगा। Then maximize availability of the product through strong distribution channels। अभी distribution channels, marketing channels है वो काफी अच्छा हो गया होगा, तो उसको maximize करना है। Strengthen introduction stage पर करना था, अब यहाँ पर maximize करना है जिससे अच्छे से distribution वगैरह हो पाए, customer तक वो product timely पहुंच पाए। Find an ideal balance between price and demand as per price elasticity। Price और demand को balance करना होगा, राइट? क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो सकती है, राइट? और बहुत ही प्राइस कम हो जाएगी तो शायद प्रॉफिट नहीं होगा, बट डिमांड बढ़ सकती है। तो प्राइस और डिमांड में आपको प्रॉपरली बैलेंस करना होगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी शिफ्ट्स फ्रॉम एक्विजिशन टू रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। अभी कस्टमर्स को एक्वायर ही नहीं करना है, रिटेन भी करना है, राइट? जो कस्टमर्स आ गए हैं बस वो यहीं से परचेस करने चाहिए, राइट? ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फ्रॉम मोटिवेटिंग प्रोडक्ट ट्रायल टू जनरेटिंग रिपीट परचेस एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, राइट? रिपीट परचेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। शार्क टैंक इंडिया अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिवली वो पूछते थे कि रिपीट ऑर्डर्स कितने आते हैं, राइट? क्योंकि कस्टमर पहली बार परचेस करता है, राइट? वो उसका पैकेजिंग वगैरह देख कर कि क्या है, मार्केटिंग वगैरह देखकर, बट वो दूसरी बार तभी परचेस करता है अगर वो जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल है, वो क्वालिटेटिव है, तो राइट? तो दूसरी बार अगर परचेस करता है तो वो ज्यादा मैटर करता है। रिपीट ऑर्डर से वो काफी मैटर करते हैं ग्रोथ के लिए, वो मार्केट में बने रहने के लिए, राइट? अगर एक बार परचेस करता है बट दूसरी बार वो परचेस करने नहीं आता है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है? इवन यूट्यूब है वो भी ये रिपीट या रिटर्न व्यूअर्स कितने हैं वो बताता है कि अगर मेरा कोई एक वीडियो देखा था एक यूजर ने, फॉर एग्जांपल आपने एक बार मेरा कोई एक वीडियो देखा, फिर दूसरी बार ये वीडियो देखना है, दैट इज अ रिटर्न व्यूअर। और अगर आप कितना देखते हैं वो मैटर करता है कि मेरे लेक्चर की क्वालिटी कैसी है, राइट? उनसे उस यूट्यूब को भी पता चलता है और वो ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करता है। जितना ज्यादा रिटर्न व्यूअर्स होंगे वो ज्यादा देखेगा, उतना ही ज्यादा ये वीडियो रिकमेंड होने के चांसेस है, राइट? तो इसी तरीके से रिपीट ऑर्डर है वो ग्रोथ स्टेज पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट पहली बार ऑर्डर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट ऑर्डर्स कितने हैं वो ज्यादा मैटर करता है। डेवलपमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड पार्टनर फॉर द मैच्योरिटी स्टेज। जो भी रिलेशनशिप हमें कस्टमर से, सप्लायर से, जो भी लोगों के साथ काम करते हैं उन सभी के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करनी है लॉन्ग टर्म, तभी वो मैच्योरिटी स्टेज पर भी साथ में आएंगे, अदरवाइज वो चले जा सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज्यादा है। Then value based pricing strategies may be considered। जो आप value customers को दे रहे हैं through that product, उस हिसाब से आपको pricing है वो maintain करनी चाहिए। Leverage the product's perceived differential advantage to secure strong market position।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना चाहिए, जिससे फीचर्स ऐसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है प्रोडक्ट के, जिस वजह से लोग परचेस करने के लिए आए, इवन उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस भी पे करने के लिए रेडी हो, राइट। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमें कंसिडर करनी है। ब्रांड आइडेंटिटी अलग होना चाहिए आपकी ब्रांड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स, राइट। तभी लोग परचेस करने आएंगे, क्योंकि वो ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कई बार, और वो स्पेसिफिक ब्रांड की चीज ही मांगेंगे, तो वो क्वालिटी और वो ब्रांड आपको प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तभी रिपीट ऑर्डर्स, रिपीट परचेस ज्यादा होंगे। मैक्सिमाइज करना है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, मार्केटिंग चैनल्स है, उनको प्राइस और डिमांड को बैलेंस करना है प्रॉपरली। रिपीट ऑर्डर्स कितने आते हैं, कस्टमर को रिटेन करना काफी जरूरी है, राइट। कस्टमर्स और पार्टनर्स जो है उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, जिससे मैच्योरिटी तक वो काम आए, राइट। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस करना है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के भी ऊपर फोकस करना रहेगा, सिंपल। चलिए फिर थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ में क्या होता है कि उसमें जो सेल्स है वो जनरली इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। मैच्योरिटी स्टेज पर सेल्स बढ़ रहा है, टोटल सेल्स बढ़ेगा बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। मतलब कि क्या होगा कि फॉर द एग्जांपल, जब ग्रोथ स्टेज कंप्लीट होता है और मैच्योरिटी स्टेज हाईएस्ट सेल्स जो है पिक पर पहुंचता है कोई भी सेल्स, राइट, उसके बाद जो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, राइट, ईयर टू ईयर टोटल सेल्स इंक्रीज हो रहा है, बट जो रेट है शायद पहले साल में वो 10% से इंक्रीज हो रहा था, अब वो 9.5% हो गया, 8% हो गया, 7% हो गया इंक्रीमेंट, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो मैच्योरिटी स्टेज है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा सेल्स बढ़ नहीं सकता है, परसेंटेज वाइज बढ़ नहीं सकता है, और वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने के भी चांसेस रहेंगे, राइट। इसीलिए इसको मैच्योरिटी स्टेज कर सकते हैं। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें आपको सेल्स दे दिया है, राइट, ईयर टू ईयर, और उसका आपको बता दिया है ईयर और सेल्स दिया हुआ है, तो उसमें से आपको परसेंटेज निकाल कर शायद ऐसा देखना होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज पर है। तो उसमें क्या है कि ईयर टू ईयर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, बट वो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो कम हो रहा है, और उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये मैच्योरिटी स्टेज हो सकता है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको फॉर्म करके पूछ सकता है। व्हेन सेल्स लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड मिडलमैन डिक्लाइन, अब यहां पर सेल्स लेवल है वो पिक पर है, बट यहां पर प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है प्रोड्यूसर्स मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सभी के लिए, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, और जो प्राइसेस होंगे वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे, सभी लोग कम प्राइसेस पर सेल करना चाहते होंगे कि क्योंकि ज्यादा मार्केट शेयर उनको अवेल करना है, इसीलिए प्रॉफिट है वो कम होने के चांसेस है, पर यूनिट प्रॉफिट कम होंगे, टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा पिक पर होंगे। द मेन रीजन इज इंटेंस प्राइस कॉम्पिटिशन, सम फर्म्स एक्सटेंड देयर प्रोडक्ट लाइन्स विथ न्यू मॉडल्स, अब यहां पर न्यू मॉडल्स भी लॉन्च हो सकते हैं, न्यू वेरियंट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। This stage poses difficult challenges. अब challenges बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, competition भी पिक पर होगा, राइट, बहुत ही ज्यादा competitors अवेलेबल होंगे, इसीलिए challenges बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस, राइट। दिस इज मैच्योरिटी स्टेज, जहां पर सेल्स इंक्रीज होगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। यहां पर प्रोड्यूसर और मिडलमैन सभी का जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट है वो जनरली कम होता जाएगा, क्योंकि प्राइस कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होगा, कंपटीशन एट पिक होगा, और उसी वजह से प्राइसिंग है वो सभी की कॉम्पिटिटिव होगी, इसीलिए प्रॉफिट कम होने के चांसेस रहेंगे, और यहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स है सारे लोग यही चीज प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करके सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेल्स बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी चल रही है, राइट, इसीलिए कैपेसिटी ज्यादा होगी, शायद डिमांड इतनी नहीं है। इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन काफी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन होगी, राइट, सारे लोग यही चीज करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट डिमांड गवर्न फ्यूचर सेल्स, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और सभी को अब ये प्रोडक्ट के बारे में पता है तो वो परचेस कर सकते हैं, और जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका रिप्लेसमेंट एज अ रिप्लेसमेंट इसको यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से सेल बढ़ेगा। सम लैगर्ड बायर्स स्टिल एंटर द मार्केट, अब कुछ ऐसे बायर्स होंगे जो धीरे धीरे कोई भी चीज को अडोप्ट करते हैं, वो चीज को अडोप्ट करने में काफी टाइम लगाते हैं, ऐसे लैगर्ड बायर्स, जो लैगर्ड बायर, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी फॉर दैट, तो वो जो बायर्स है
वो अब एंटर करेंगे और ये प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। इवन डिक्लाइन स्टेज में भी वो बायर्स है वो परचेस करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। जो पायनियर्स होते हैं या फिर जो अर्ली एडोप्टर्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही वो प्रोडक्ट को एडोप्ट कर लेते हैं। ग्रोथ स्टेज में मोस्ट ऑफ द बायर्स वो एडोप्ट कर लेते हैं, बट जो धीरे धीरे बाद में आने वाले ऐसे बायर्स होते हैं वो ग्रो मेच्योरिटी या फिर डिक्लाइन स्टेज में उस प्रोडक्ट को एडोप्ट करते हैं। प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइन, राइट। प्रॉफिट अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। नो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू फिल, राइट। अब कोई भी ऐसी चैनल्स नहीं होगी कि जो फिल करनी है, क्योंकि सारी जगह पर सारे लोग लगे पड़े हैं इसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राइट। अब ये जो सम लेगार्ड बायर्स के बारे में जो था, तो उसके लिए मैं फेसबुक का एग्जांपल हम ले सकते हैं। फेसबुक जब इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, या फिर वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, तब क्या था, यंग जनरेशन थी वो फेसबुक से ज्यादा अटैच थी। बट अभी जो देखते हैं तो ओल्ड एज पर्सन है, 40-50 अप जिनकी एज है, वो अब ज्यादा फेसबुक को यूज करते हैं। तो वो बायर्स पहले फेसबुक को हेट करते थे, ऐसे बोलते थे कि फेसबुक टाइम वेस्ट करता है, बट धीरे धीरे वही फेसबुक को यूज करते हैं। इवन व्हाट्सएप में भी ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप में जो यंग जनरेशन है वो उसका यूज चैटिंग कुछ काम का मैसेजेस वगैरह के लिए यूज करते हैं, बट अभी जो ओल्ड जनरेशन है वो उसको एज एंटरटेनमेंट, एज अ मीडियम ऑफ पासिंग द टाइम यूज करते हैं, राइट। वो धीरे धीरे उन्होंने अडोप्ट किया, बाद में अडोप्ट किया, क्योंकि अभी फेसबुक और व्हाट्सएप का मेच्योरिटी स्टेज हम कह सकते हैं, राइट, वो मेच्योरिटी स्टेज पर है। तो वो जो बायर्स है वो अभी धीरे धीरे वहां पर एडोप्ट करते हैं। कस्टमर्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अदर प्रोडक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। अब धीरे धीरे जो कस्टमर्स है वो दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पर जाने लगे हैं, राइट। ऐसा हो सकता है मेच्योरिटी स्टेज पर, इसीलिए वो धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज पर पहुंचते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चैलेंजेस, यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा करना पड़ता होगा। आपने भी देखा होगा कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड है वो भी अभी भी उनके भी एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पर देखने को मिलती है। कोलगेट हो गया, मैगी हो गया, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको सबको पता है, राइट, फिर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी भी ये प्रोडक्ट है और वो शायद वो देखकर परचेस कर सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर है उनका मार्केटिंग नहीं होगा, उसमें भी मार्केटिंग करना जरूरी होगा। हाई R&D बजट्स, R&D के लिए बजट्स बहुत ही ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी उनके पास पैसे है, राइट, इसीलिए उनके वेरिएंट्स वो यूज करते हैं, वेरिएंट्स है वो निकालते हैं, राइट, और ऐसा लगता है कि शायद वो कस्टमर्स है वो परचेस करेंगे। मैगी फेमस हो गया तो उन्होंने आटा नूडल्स या फिर ऐसे जो हेल्दी ऑप्शन है, कंपेरेटिवली हेल्दी ऑप्शन है वो लॉन्च किए। कोलगेट में भी आपको बहुत सारे वेरियंट्स मिलते हैं, तो वो R&D, उनके पास अभी R&D बजट ज्यादा होता है तो वो R&D कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट या फिर उन प्रोडक्ट के अलग वेरियंट्स वो यूज कर सकते हैं, वो लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे मेच्योरिटी स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओवर कैपेसिटी, कैपेसिटी से ज्यादा है, शायद इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। इंटेंसिफाइड कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, राइट। प्रोडक्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ सब दूसरे प्रोडक्ट्स है, उस वजह से सेल्स ग्रो हो सकता है। जो लेजर्ड बार्स थे वो अब यहाँ पर परचेस करने आ सकते हैं। प्रॉफिट स्टार्ट टू डिक्लाइन, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सारे ही फिल हो गए, सारे ही कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स की वजह से वो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ चल रहा है अच्छे से। कस्टमर्स है वो धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट की ओर या सब्स्टिट्यूट की ओर मूव करने लगेंगे और धीरे धीरे ये मेच्योरिटी स्टेज में से डिक्लाइन स्टेज में मूव करेगा ये जो प्रोडक्ट है। अब मार्केटिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग अच्छे से करना ही पड़ेगा, चैलेंजेस भी बहुत ही ज्यादा होंगे, हाई R&D बजट हो सकता है। अब इसमें स्ट्रेटेजीज क्या होगी मेच्योरिटी स्टेज पर? स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एफर्ट्स आर नीडेड टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स कस्टमर, कॉम्पिटिटर के कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स करने रहेंगे। प्रोडक्ट फीचर्स में भी इंप्रूव्ड और एनहांस्ड टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वो अलग होने चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तभी आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेस करने के लिए कस्टमर्स आएंगे। मैगी भी इतना फेमस है, यिप्पी नूडल्स भी फेमस तो है, बट स्टिल लोग जो ज्यादा प्रीफर करते हैं वो मैगी प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो यिप्पी नूडल्स शायद बीट नहीं कर सकता है, बट मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जनरल इस तरीके से होता है। तो जो मैगी है वो ज्यादा अडोप्टिव है, क्योंकि उनका फीचर, उनका जो टेस्ट है, राइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन उनके जो मार्केटिंग एफर्ट्स भी बहुत ही ज्यादा किए जाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा आती ही है, राइट।
वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर है और लोग ज्यादा परचेस भी करते हैं, बट भले ही उनके कंपटीशन में है यूपी नूडल्स, दूसरे नूडल्स प्रोडक्ट भी है, बट स्टिल वी प्रिफर मैगी, राइट? जब भी हमें फटाफट कुछ भी खाना है तो मैगी प्रिफर करते हैं। तो वो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उनका फीचर ऐसा है कि उस वजह से उनको ज्यादा परचेस किया जाता है। मार्केटिंग 2 मिनट वाला भले ही 2 मिनट में नहीं बनती है, फिर भी वी प्रिफर कि जब भी हमारे पास टाइम नहीं है फटाफट कुछ खाना है तो मैगी प्रिफर करता है, राइट? और उसका टेस्ट भी अच्छा है, बेटर है बाकी सारे नूडल्स की कंपेरिजन में। तो वो मेच्योरिटी स्टेज में सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है और उनका सेल्स बढ़ सकता है। प्राइसेस में हैव टू बी रिड्यूस्ड टू अट्रैक्ट द प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। अभी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट शेयर भी अच्छा है, फिर भी वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए उसकी प्राइसेस कम रख सकते हैं और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरियस सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव्स आर नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल एज डीलर्स टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। इंसेंटिव्स भी दिया जा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे तो आपको कोई ट्रिप जीतने के चांसेस है, कुछ स्टार्स से मिलने के चांसेस है। ऐसे ऑफर्स आपको जनरली दिए जाते हैं और उस वजह से आप परचेस करते हैं। थम्सअप वगैरह में भी आता था कि आप ये कोड स्कैन करेंगे तो कुछ आपको बेनिफिट, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे। डेयरी मिल्क में भी, किटकैट वगैरह में भी आता रहता है। भले ही वो मेच्योरिटी स्टेज में है, फिर भी लोगों को वो अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे इंसेंटिव है वो जनरली इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। इवन डीलर्स जो है होलसेलर से, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे इंसेंटिव उनको भी अलग से ऑफर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर इंटेंसिव एंड इंसेंटिव मे बी ऑफर टू एनकरेज प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट। इंसेंटिव और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी मे भी किए जाएंगे, इंटेंसिव प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे ताकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी जगह पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो और ज्यादा सेल्स किए जा सके, राइट? तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है वो मैच्योरिटी स्टेज पर यूज किया जाएगा, जिसमें मार्केटिंग एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा करना है, कॉम्पिटिशन से अलग तरीके से करना है ताकि कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स भी आपकी ओर आ जाए। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स अलग होने चाहिए जिस वजह से लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेस करें। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए प्राइसेस कम होने चाहिए, प्रमोशन इंसेंटिव्स होने चाहिए कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए, उनको भी इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि वो ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें और ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए। और जो लास्ट स्टेज है वो है डिक्लाइन स्टेज। A decline in sales volume characterizes in the last stage of the product life cycle. The need or demand for product disappears. अब धीरे धीरे लोग उनको परचेस करना कम कर रहे हैं, उनकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, इसलिए वो डिक्लाइन स्टेज पर है। The availability of better and less costly substitutes in the market accounts for the arrival of this stage. इस स्टेज पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि अभी substitutes available है, अवेलेबिलिटी है वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, और धीरे धीरे लोग उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो ज्यादा परचेस करना चाहते हैं, राइट? जो पहले कीपैड फोन्स आते थे, राइट? तो वो भी डिक्लाइन स्टेज पर ही, अब बहुत ही कम लोग उसको परचेस करते हैं, राइट? अभी स्मार्टफोन्स का जमाना है तो स्मार्टफोन ही ज्यादा परचेस करने के लिए लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो पहले जब आते थे वो फोन भी 4-5 हजार के आते थे कई बार, तो कुछ कीपैड फोन्स, राइट? अभी स्मार्टफोन 7-8 हजार में अच्छे से आपको मिल जाते हैं, तो लोग प्रिफर करते हैं स्मार्टफोन को परचेस करना क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा है और वो मार्केट में अभी उसी की डिमांड है, उसी में सारी आपकी जो चीजें हैं वो हो जाती है, बहुत ही ज्यादा काम हम स्मार्टफोन में ही हो जाता है। तो उसी वजह से जो कीपैड फोन है वो डिक्लाइन स्टेज पर अभी है, राइट? अब लोग वो परचेस करना नहीं प्रिफर करते, धीरे धीरे सेल्स कम हो रहा है और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है जो डिक्लाइन स्टेज में होता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्रॉप टू जीरो और मे रिमेन एट लो लेवल, वो कम हो जाता है या फिर इवन जीरो लेवल पर भी पहुंच जाता है। सेल्स डिक्लाइन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कस्टमर शिफ्ट इन टेस्ट एटसेट्रा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब नई टेक्नोलॉजी से वो चीज अवेलेबल है, या फिर कस्टमर का टेस्ट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई, उस वजह से प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन मोड में आता है। प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड एट टाइम बिकम नेगेटिव, प्रॉफिट भी कम होने लगता है और तो और उसमें कई बार नेगेटिव लॉसेस भी होने लगता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ड्रॉप, अब कॉम्पिटिशन भी कम हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे नई प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट कर देंगे और ये प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके, अभी लोग जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उनका सेल्स कम हो गया है या फिर
जीरो हो गया है। जो सेल्स है वो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रीजंस उसके हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर कस्टमर का टेस्ट वगैरह रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेंज हो गए हैं, प्रॉफिट भी कम होने लगेगा, और तो और जो ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन है वो भी कम हो जाएंगे। अब कम लोग ये प्रोडक्ट है वो परचेस सॉरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करेंगे। इसमें क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी? द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन्ड इन द मार्केट बाय डिफरेंशिएशन, कीपिंग लो कॉस्ट फॉर सम मोर टाइम बाय एडिंग सर्टेन न्यू फीचर्स एंड फाइंडिंग न्यू यूजेस। डिक्लाइन स्टेज में भी अगर उस प्रोडक्ट को चलाना है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट पर उनको प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं, राइट। इस तरीके से वो शायद थोड़े टाइम के लिए वो प्रोडक्ट अभी भी चल सकता है, शायद फिर से भी वो डिक्लाइन स्टेज से भी ग्रो हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो। द फर्म कैन कंटिन्यू टू ऑफर द प्रोडक्ट टू इट्स लोयल कस्टमर नीच सेगमेंट एट रिड्यूस्ड प्राइस। जो नीस जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको अभी भी वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो परचेस करते हैं तो उनको सेल करने के लिए वो ध्यान रख सकते हैं। द फर्म कैन इवन डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि अभी वो नहीं चल रहा है तो उसको बंद कर देना कई बार ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। यूज द प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। ये प्रोडक्ट को एज अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट की जगह पर हम दूसरे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा एडवांस्ड है, तो ऐसी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। द वेरियस मार्केटिंग डिसीजन इन द डिक्लाइन स्टेज विल डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट इट इज बींग रिवाइव्ड और गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। फाइल नहीं, यहाँ पर लाइफ होना चाहिए, न्यू लीज ऑफ लाइफ, राइट। लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज बींग लिक्विडेटेड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मार्केटिंग डिसीजन लेकर इसको रिवाइव किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट फिर से मार्केट में उसी डिमांड पर बेची जा सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। न्यू लीज ऑफ लाइफ, फिर से इसको जन्म देते हैं, कुछ अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। या फिर उनको अनचेंज्ड भी ऐसे ही लिक्विडेट भी किया जा सकता है। द प्राइस मे बी मेंटेन्ड और रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इफ लिक्विडेटेड, राइट। इसकी प्राइस मेंटेन की जा सकती है या फिर रिड्यूस की जा सकती है, तभी वो सेल किया जा सकेगा, तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकता है, राइट। जिसमें प्रोडक्ट है वो मेंटेन किया जाएगा विथ डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप, इवन कंटिन्यू किया जा सकता है, जो लॉयल कस्टमर जो नीस सेगमेंट है उनको अभी भी कंटिन्यूसली हम सेल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, राइट। और ये प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के जैसे देखकर उसकी जगह पर न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं। मार्केटिंग डिसीजन ऐसे लेंगे जिससे रिवाइव हो सके, इसको अलग से न्यू लाइफ मिले, या फिर एज इट इज रखकर लिक्विडेट भी किया जा सकता है, और प्राइसेस को मेंटेन करेंगे या फिर कम हो जाएगी लिक्विडेट करेंगे तो। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजीज दी है चारों ही स्ट्रेटेजीज पर सारे ही एक साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, जो प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट के हिसाब से जो जरूरी है, पैसे जितने अवेलेबल है उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी ज्यादा यूजफुल होगी उसको यूज किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो ये थे हमारे फोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, जिसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, उस स्टेज पर हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने अच्छे से समझा। इसमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है, इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स को यहां पर समराइज किया, थोड़ा सा अलग तरीके से भी ये करेक्टरिस्टिक्स दिए है, राइट, और कंपेरिजन दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चारों ही स्टेजेस यहां पर दिए है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल, अभी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रोडक्ट अवेयरनेस, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कोई प्रोडक्ट है और उसको ट्राई एंड बाय प्रोडक्ट करवाना होगा। ग्रोथ स्टेज पर मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, अभी मार्केट शेयर को सबसे ज्यादा अपना करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बेचना है, कॉम्पिटिशन से कॉम्पिटिशन करना है, इसलिए मार्केट शेयर होना चाहिए, ज्यादा मार्केट शेयर होना चाहिए। मैच्योरिटी स्टेज पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर अच्छा रख के भी मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट्स को, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने रहेंगे। और डिक्लाइन स्टेज पर रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स एंड मिल्क द ब्रांड, मिल्क द ब्रांड मतलब जो ब्रांड जैसे है उसी तरीके से उसको सेल करते रहना है, उसी हिसाब से उनको सेल करते रहना है, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर कम करके भी सेल करते रहना ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेल्स जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें काफी कम लो सेल्स होंगे, ग्रोथ स्टेज में रैपिडली राइज, बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, फटाफट फटाफट वो सेल होता जाएगा। मैच्योरिटी पर पिक सेल, सबसे ज्यादा सेल होगा, और डिक्लाइन स्टेज में डिक्लाइनिंग सेल्स होता जाएगा। लो सेल्स, रैपिडली इंक्रीजिंग,
peak sales and declining stage, declining sales, right? Cost per customer, cost कैसा होगा? Introduction stage पर high cost per customer, क्योंकि marketing spend भी बहुत ज्यादा हो सकता है, even R&D product development cost भी बहुत ही ज्यादा per customer per unit ज्यादा हो सकता है. ग्रोथ में एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर धीरे धीरे कॉस्ट है वो कम होता जाएगा. मैच्योरिटी पर लो कॉस्ट पर कस्टमर होगा क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए पर यूनिट पर कस्टमर कॉस्ट कम हो जाएगा. और डिक्लाइन स्टेज पे भी लो कॉस्ट पर कस्टमर किया जाएगा क्योंकि अभी तो वैसे भी सेल नहीं हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा इनकर करना अच्छी बात नहीं. तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर हाई कॉस्ट पर कस्टमर, फिर धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर होगा, लो कॉस्ट पर कस्टमर, और डिक्लाइन स्टेज पर भी लो कॉस्ट पर कस्टमर. प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव से धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैक्सिमम होंगे और फिर से कम हो जाएंगे. नेगेटिव होंगे इंट्रोडक्शन स्टेज पर, ग्रोथ स्टेज में राइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. मैच्योरिटी स्टेज पर हाई प्रॉफिट और डिक्लाइन स्टेज पे डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, राइट? तो नेगेटिव रैपिडली इंक्रीजिंग, राइजिंग प्रॉफिट, हाइएस्ट प्रॉफिट और डिक्लाइनिंग प्रॉफिट. कस्टमर्स जो होंगे इनोवेटर्स, जो इनोवेशन कुछ नया एडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसे कस्टमर इंट्रोडक्शन स्टेज पर मिलेंगे. ग्रोथ स्टेज में अर्ली एडॉप्टर्स जो जल्दी एडॉप्ट कर सकते हैं. जो मैच्योरिटी है वो मिडिल मैच्योरिटी, सबसे ज्यादा परचेस तभी करेंगे और सभी लोगों को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, इसी वजह से वो परचेस करते हैं. एंड जो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है वो लेजर्ड्स जो सबसे धीरे धीरे आते हैं, ऐसे कस्टमर्स यहाँ पर होते हैं, राइट? सो इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, मिडिल मैच्योरिटी एंड लेजर्ड्स. कॉम्पिटिटर्स जो है, राइट, पहले धीरे 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 कम होंगे, फिर वो बढ़ेंगे और वो सबसे ज्यादा होंगे मैच्योरिटी स्टेज पर और कम होते जाएंगे. सो कॉम्पिटिटर्स फ्यू, ग्रोविंग इन नंबर, स्टेडी नंबर, बिगिनिंग टू डिक्लाइन, राइट? कस्टमर्स सॉरी कॉम्पिटिटर्स स्टेडी होंगे एज इट इज रहेंगे और धीरे धीरे कम भी होते जाएंगे और डिक्लाइनिंग स्टेज पर कम होते जाएंगे. डिक्लाइनिंग नंबर फ्यू, ग्रोविंग नंबर स्टेडी, और वो डिक्लाइन होंगे और डिक्लाइनिंग नंबर. अब स्ट्रेटेजीज क्या होगी? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. प्रोडक्ट ऑफर, बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक फीचर्स के साथ बेसिक प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर दिए जाएंगे. ग्रोथ स्टेज पर ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सर्विसेज एंड वारंटी. अच्छे प्रोडक्ट, उसमें एक्सटेंशन फीचर्स अच्छे होंगे, सर्विसेज और वारंटी ज्यादा दिए जाएंगे जिससे ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े. मैच्योरिटी में डाइवर्सिटी, ब्रांड्स एंड मॉडल्स, डाइवर्सिफाइड वेरियंसेस होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे. और डिक्लाइन में फेज आउट वीक आइटम्स, धीरे धीरे उसमें से जो वीक आइटम्स है उसको कम करते जाएंगे और प्रोडक्ट को धीरे धीरे बंद करते जाएंगे. तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर बेसिक प्रोडक्ट्स ऑफर किया जाएगा, ग्रोथ स्टेज पर उसमें एक्सटेंशन होगा, वारंटी सर्विसेज बहुत ज्यादा होगा जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े. मैच्योरिटी स्टेज पर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, ब्रांड्स वगैरह सेल किए जाएंगे और डिक्लाइन स्टेज में धीरे धीरे वीक आइटम्स है उनको फेज आउट करके उनको कम बंद कर दिया जाएगा. देन प्राइसेस, जो इंट्रोडक्शन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ग्रोथ में प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट, मार्केट को पेनिट्रेट करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. मैच्योरिटी स्टेज पर प्राइस टू मैच और बीट द कॉम्पिटिशन, प्राइसेस कम रखे जाएंगे जिससे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा मार्केट शेयर आपको मिल पाए. और डिक्लाइन स्टेज में प्राइस कटिंग, प्राइस को कम करना होगा तभी जो प्रोडक्ट बन गया है वो आप सेल कर पाएंगे. सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट, देन प्राइस टू बीट द कस्टमर और टू मेंटेन द कस्टमर, मैच द कस्टमर, एंड धीरे धीरे प्राइस डिक्लाइन होगी, कट किया जाए. एडवर्टाइजिंग, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंगस्ट अर्ली एडॉप्टर्स एंड डीलर्स. जो अर्ली एडॉप्टर्स है जो जल्दी परचेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग वगैरह किया जाएगा. ग्रोथ स्टेज पर बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन मास मार्केट, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना होगा ताकि मास मार्केट को हम उसके ऊपर फोकस कर सकें. मैच्योरिटी में स्ट्रेस ऑन ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स. आपकी ब्रांड किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स से अलग है वो आपको बताना होगा, तभी आप है वो ज्यादा कस्टमर्स को अपसेल कर सकते हैं. अपने साथ टाइड या रीन वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखे होंगे, उसमें कई बार ऐसा भी बताता है कि वो दूसरे जो डिटर्जेंट्स हैं उनसे ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा वाइट कपड़े आपको दे सकते हैं. तो वो क्या होगा कि आप दूसरी जो ब्रांड है उनसे कैसे अच्छे हैं वो दिखाते हैं. देन रिड्यूस लेवल टू कीप हार्ड कोर लॉयल्टी. और जो डिक्लाइन स्टेज है उसमें मार्केटिंग कम किया जाएगा, उसमें जनरली जो निश या लॉयल कस्टमर्स है उन्हीं को मार्केट किया जाएगा, उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा.
तो मार्केटिंग है वो पहले प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए बिल्ड किया जाएगा, उसके लिए मार्केटिंग किया जाएगा, धीरे धीरे मार्केट बढ़ाया जाएगा ताकि मास मार्केट के ऊपर फोकस किया जा सके। फिर डिफरेंशिएशन के लिए ब्रांड आपकी कैसे अलग है वो दिखाने के लिए मार्केटिंग किया जाएगा। डिक्लाइन स्टेज में वो धीरे धीरे मार्केटिंग कम होगा, वो लॉयल कस्टमर्स के लिए ही मार्केटिंग किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा सेल नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम किया जाएगा। ग्रोथ स्टेज में बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव होना चाहिए, अच्छे से सभी लोगों को पहुंच जाए, धीरे धीरे सभी जगह पर आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैच्योरिटी में बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखेगा और ज्यादा लोग परचेस करेंगे, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। डिक्लाइन स्टेज में गो सिलेक्टिव, फेस आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स, धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में कम किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, राइट। पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया जाएगा, फिर उसको इंटेंसिव किया जाएगा, अब मोर इंटेंसिव एंड धीरे धीरे फेस आउट। सेल्स प्रमोशन, यूज हैवी सेल्स प्रमोशन टू एंट्राइज ट्रायल, राइट। लोगों को ज्यादा पता चल सके, ट्रायल एंड बाय प्रोडक्ट वगैरह रखे जाएंगे, राइट, तो ज्यादा मार्केटिंग किया जाएगा, ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा। रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड पर फोकस करना है तो उस हिसाब से मार्केटिंग, उस हिसाब से प्रमोशन किया जाएगा। मैच्योरिटी में इंक्रीज टू एनकरेज ब्रांड स्विचिंग, दूसरे ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स की ब्रांड में से अपनी ब्रांड पर आए, इसीलिए ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा। डिक्लाइन में रिड्यूस टू मिनिमल लेवल, अब डिक्लाइन हो रहा है इसीलिए जो प्रमोशन होगा वो कम हो जाएगा। सो हैवी प्रमोशन उसमें रिड्यूस किया जाएगा ग्रोथ स्टेज पर, इंक्रीज किया जाएगा ब्रांड स्विच कर सके इसीलिए, और फिर डिक्लाइन किया जाएगा। ये सारे स्ट्रेटेजीज और हमने कैरेक्टरिस्टिक समझा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समरीज और ये कंपैरिजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर एक केस सिनेरियो दिया, सॉरी प्रैक्टिकल इंसाइट दिया, फटाफट समझ लेते हैं। मारुति 800 SS80 विथ 800 cc FHB इंजन, राइट, इसकी लाइफ साइकिल हमें बताई गई है पूरी। मारुति 800 इज अ स्मॉल सिटी कार दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति सुजुकी इन इंडिया फ्रॉम 1983 से 2014, वो पूरी उनकी लाइफ साइकिल था। विथ लाइफ साइकिल ऑफ ओवर 31 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन, मारुति 800 रिमेन्स द सेकंड लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन कार इन इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू हिंदुस्तान एम्बेसडर, एंड ये दूसरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली कार है। 31 ईयर्स के लिए इसका प्रोडक्शन किया गया है। About 2.87 million 800s were produced during its course, of which 2.66 million were sold in India itself. 2.87 मतलब कि 28,70,000 कार मैन्युफैक्चर की गई और उसमें से 26,60,000 कार्स इंडिया में ही सेल किया गया। इंट्रोडक्शन स्टेज 83 to 86, फर्स्ट कार इंपोर्टेड एंड सोल्ड इन 83, चीपेस्ट कार इन द मार्केट, ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट टुक देम 3 years टू क्लियर द वेट लिस्ट। ये चिपेस्ट कार थी इसीलिए डिमांड बहुत ही ज्यादा थी बट सप्लाई इतनी नहीं थी, इसीलिए वेट लिस्ट 3 साल के लिए, मतलब अभी आप अभी ऑर्डर करेंगे तो 3 साल बाद आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज था। फिर ग्रोथ स्टेज 86 to 98, एनश्योर पीपल्स एक्सपेक्टेशन मैच प्रोडक्ट प्रोमिसेस, सेकेंड जनरेशन लॉन्च्ड SB308, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हमने जो कमिटमेंट दिया है उसी हिसाब से उनको फुलफिल किया जा सके वो देखा जाता था। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ताकि डिमांड फुलफिल हो पाए, इंक्रीजेस इन प्रॉफिट, कंपटीशन स्टार्टेड गेटिंग स्टिफर, टाटा मोटर्स एंटर्ड द पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन 1988 टाटा लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस इंडियन पैसेंजर कार इंडिका, एंड इन 94 जनरल मोटर इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग Opel branding vehicle and Ford India began production 98 of Ford Escort model, later become Ford Icon. That धीरे धीरे competition भी enter, competitors भी enter हो रहे हैं, profit भी बढ़ रहा है, production भी बढ़ रहा है, sales भी बढ़ रहा है। Maturity stage 98 to 2004, sales touched 2 lakh units in 99. It remained the best selling car in India until 2004 when the Maruti Alto took the title. Decline stage 2004 to 2014, drastic decrease in sales, able to sell just 33,028 units in 2009-2010, अब धीरे धीरे वो decline stage पर आ गए। Maruti Suzuki did not have plan to upgrade to Euro 4 or BS4 emission norms. Emission norms होते हैं, आपने इसके बारे में शायद समझा होगा, पढ़ा होगा, तो वो जो norms है उस हिसाब से वो अब upgrade नहीं करना चाहते थे क्योंकि अब वो बंद करने के लिए सोच रहे थे। In April 2010 starts working on phase out and
हॉल्टेड एंड सेल्स ऑफ कार इन 13 सिटीज इंक्लूडिंग ऑल फोर मेट्रो सिटीज। धीरे धीरे उन्होंने ये प्रोडक्ट को फेज आउट कम करना लग गया, वो सेल नहीं करते थे, प्रोडक्शन नहीं करते थे, कुछ सिटीज में उन्होंने अपना सेल्स बंद कर दिया। द लास्ट मारुति 800 वॉज रोल्ड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन इन 18th January 2014, सक्सेसर इज मारुति अल्टो 800। ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, राइट। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको पूछ सकते हैं, बट ये आपने एक बार समझ लिया फिर ठीक है। कैन यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन बीसीजी मैट्रिक्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बीसीजी मैट्रिक्स शायद आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सी इंटर में पढ़ा होगा, तो उसमें भी इंट्रोडक्शन स्टेज और क्वेश्चन मार्क की प्रॉफिट होगा या नहीं, फिर ग्रोथ स्टेज जिसमें स्टार धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा, मैच्योरिटी कैश का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट आता है, डिक्लाइन डॉग, अब ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट होगा या नहीं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स आपको यहां पर नहीं समझाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमने फेजेस वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स सब समझे, अब हम समझेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट आर एज फॉलो। द प्रोडक्ट हैव फाइनाइट लाइव्स एंड पास थ्रू द साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डिलीशन एट वेराइंग स्पीड। फाइनाइट लाइव्स होती है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कभी ना कभी तो बंद होता है, बट वो कब बंद होगा, कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है, सभी की स्पीड अलग अलग होती है, राइट। बट फाइनाइट लाइफ, वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो कभी ना कभी तो डिलीट होगा ही। प्रोडक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट पैटर्न्स टेंड टू फॉलो प्रेडिक्टेबल कोर्सेस थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सभी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट है, सभी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर कॉस्ट ज्यादा ही होगा, रेवेन्यू कम ही होगा, प्रॉफिट कम ही होगा, राइट। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रॉफिट्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज एंड आफ्टर स्टेबिलाइजिंग ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन देयर आफ्टर टू द पॉइंट ऑफ डिलीशन। ग्रोथ स्टेज में ही आपको प्रॉफिट दिखेगा और मैच्योरिटी स्टेज में धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और डिक्लाइन स्टेज में वो कम हो जाएगा बिल्कुल ही। एवरेज कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट वेराई एज प्रोडक्ट्स मूव थ्रू देयर लाइफ साइकिल। पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे, मतलब वो अलग हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है जैसे जैसे वो लाइफ साइकिल में आगे बढ़ेगा। Each stage of the product life cycle poses different threats and opportunities that give rise to different strategic actions. सारे ही जो phases है उसमें कुछ ना कुछ opportunities, कुछ ना कुछ threats रहेंगे, वो product to product change हो सकते हैं और उसी हिसाब से हमें strategies बनानी है और उसको implement करना रहेगा। Product require different functional emphasis in each stage, such as an R&D emphasis on the development stage and cost control emphasis in the decline stage. R&D है वो जनरली इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि तभी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, और जो आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है वो डिक्लाइन स्टेज, क्योंकि अभी बंद करना है तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। फाइंडिंग न्यू यूज, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और न्यू यूजर्स, मार्केट एक्सटेंशन और गेटिंग द प्रेजेंट यूजर्स टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन में एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें वेरियंसेस आप निकाल सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मार्केट एक्सटेंड कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट या दूसरे मार्केट्स जहां पर अभी तक आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया वहां पर भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप ये जो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट है उनको लंबा कर सकते हैं, वो लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफी सिंपल है, राइट। फिर बेनिफिट्स है ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। The product life cycle costing results in earlier actions to generate revenue or to lower cost than otherwise might be considered. There are number of factors that need to be managed in order to maximize return on a product. Cost कितना रखना है या फिर profit कैसे कमाना है, तो वो सारी चीजें आप पहले से पता होगी कि कब कौन सा stage हो सकता है, वहां पर हमें क्या strategies रखनी है जिससे maximum benefit हमें मिल पाए, वो हमें life cycle costing से पता चल सकता है। अगर हम ये life cycle costing नहीं समझते हैं तो शायद product की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो सकती है, प्रॉफिट इतना नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। बेटर डिसीजन शुड फॉलो फ्रॉम अ मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एटलीस्ट विद इन अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल स्टेज। हमें मोर एक्यूरेट असेसमेंट करना है कि कितना कॉस्ट और कितना रेवेन्यू होगा, तभी हम अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकेंगे, स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से पॉसिबल हो सकता है अच्छे से एक्शन लेने के लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टेकिंग कैन Thinking can promote long-term rewarding in constant contrast to short-term profitability rewarding. हम long-term, क्योंकि पूरी life cycle के बारे में सोच रहे हैं, तब हमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या strategies हम use कर सकते हैं, तो वो short-term profitability
के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर द एंटायर लाइफ स्पान ऑफ अ प्रोडक्ट, विच इन टर्न फैसिलिटेट्स एनालिसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल वेयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस माइट बी इम्प्रूव्ड। हमारे पास ओवरऑल फ्रेमवर्क पता है हमें कि क्या किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम कॉस्ट इनकर करना चाहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो है इस प्रोडक्ट में से बेनिफिट जो लेना है वो हम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इट इज एन अप्रोच यूज्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लाइफ साइकिल प्लानिंग एंड कॉस्ट डेटा टू क्लेरिफाई द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अल्टरनेटिव चूजन इन द डिजाइन इंजीनियरिंग फेसिस एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म पिक्चर हमें दिखाएगा कि क्या किस तरह से होगा, कब क्या हो सकता है, किस तरह से ये प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल रहेगी, कब कितने साल हो सकता है पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है, तो उसका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वे टू एनहांस द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। द थ्रस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग is on the distribution of cost among categories changes over the life of the product, as does the potential profitability of the product. Hence, it is important to track and measure cost during each stage of product's life cycle. सारे ही जो product के life cycle के जो phases है, उस हर phases में अलग cost अलग profit हो सकता है। इसीलिए उसके manufacturing cost, उसके total cost को हम अगर control करना चाहते हैं तो phase wise कर सकते हैं। वो लाइफ साइकिल के कौन से फेज में है उस हिसाब से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये एनालिसिस करना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ट्रेसेस रिसर्च एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एटसेट्रा इनकर्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल, सो दैट द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैन बी रिपोर्टेड एंड कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट रेवेन्यूज जनरेटेड इन द लेटर पीरियड। वो जो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए आरएनडी का जो कॉस्ट है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हमें उसको एब्जॉर्ब करना होगा, तो कितना कॉस्ट हो रहा है और किस तरह से वो हम रिकवर कर पाएंगे वो भी हमें देखना होगा। हम जब आगे टारगेट कॉस्टिंग समझने वाले हैं तो उसमें भी ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का रेफरेंस आएगा कि अगर हमारा जो कॉस्ट है वो हमने जो टारगेट किया है अगर उसको अचीव करना है तो जो डिजाइनिंग कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना होगा, तभी हम अपना टारगेट कॉस्ट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल है वहां से हमें पता चलेगा कि इसका कौन सा फेज में क्या हो सकता है, क्या क्या कॉस्ट हो सकता है और किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो जानने के लिए हमारे लिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट, तो ये सारे बेनिफिट्स थे सिंपल से थे। राइट, चलो, कैन यू लिस्ट द फैक्टर्स विच आर कैपेबल टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट्स रिटर्न ओवर इट्स लाइफ साइकिल, वैल्यू इंजीनियरिंग एट द डिजाइन फेज टू कमिट द कॉस्ट एज लोअर एज पॉसिबल। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब कि पहले से ही हम ऐसे प्रोसेस ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे कॉस्ट कम हो पाए और वैल्यू ज्यादा हमें मिल पाए, तो वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइनिंग कॉस्ट है उसमें हम कम कर पाएंगे। रिड्यूस द टाइम टू गेट इन टू द मार्केट, मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करने में आप टाइम मत लीजिए, फटाफट वो लॉन्च कर दीजिए, हो सके उतना जल्दी कर दीजिए तो वो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकेगा। मैक्सिमाइज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट स्पेशली एक्सटेंड द ग्रोथ फेज एज मच एज पॉसिबल। आपको लाइफ साइकिल के जो लेंथ है उसको बढ़ाना है तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह कॉस्ट है वो हम ज्यादा टाइम के लिए वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ज्यादा सेल हो पाएगा तो वो बेनिफिट हो पाएगा। और ग्रोथ स्टेज जहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, ऐसे फेज को हमें लेंथ उसकी बढ़ानी रहेगी, तो इससे जो टोटल हमारा लाइफ साइकिल में से जो रिटर्न मिलने के चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। वैल्यू इंजीनियरिंग रिड्यूस टाइम टू गेट लॉन्च इन टू द मार्केट और मैक्सिमाइज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ग्रोथ स्टेज। यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी एज अ प्लानिंग टूल, इट कैरेक्टराइज द मार्केटिंग चैलेंजेस इन ईच स्टेज एंड पोजेस मेजर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दैट इज एप्लीकेशन ऑफ केजान। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो प्लानिंग टूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ साइकिल के बारे में पता चलेगा तो किस तरह से प्लान करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, किस तरह से कॉस्ट रिकवर करना है वो आपको पता चलेगा। केजान कॉस्टिंग जो हमने चैप्टर 3 में समझा था, धीरे धीरे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन स्मॉल वैल्यूज जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एज अ कंट्रोल टूल द पीएलसी कॉन्सेप्ट अलाउज द कंपनी टू मेजर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अगेन सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड इन द पास्ट। हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं,
पीएलसी को, पहले जो पास्ट में हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था और जो अभी लॉन्च करने वाले हैं उसमें किस तरह से हम बेनिफिट उसका ले सकते हैं, कंपेयर करके बेनिफिट ले सकते हैं। एज अ फोरकास्टिंग टूल इट इज लेस यूजफुल बिकॉज सेल्स हिस्ट्रीज एग्जिबिट डाइवर्स पैटर्न्स एंड द स्ट्रेटजीज वेराई इन ड्यूरेशन। फोरकास्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एज अ फोरकास्टिंग हम इतना बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि हिस्टोरिकली बेस पर हम लाइफ साइकिल को देखेंगे तो उसमें फोरकास्ट करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है। तो एज अ प्लानिंग टूल, एज अ कंट्रोल टूल एंड एज अ फोरकास्टिंग टूल वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, सिंपल सा इजी सा है। इन WM लिमिटेड द OB इक्विपमेंट इज अबाउट टू बी रिप्लेस्ड इधर बाई CF सिस्टम और बाय एन OF सिस्टम। ये जो कंपनी है इसमें OB इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करना है विद CF और OF। फाइनेंस कॉस्ट 12% अ ईयर एंड द अदर एस्टिमेटेड कॉस्ट आर एस फॉलो। फाइनेंस कॉस्ट है वो 12% पर एनम के हिसाब से है और दूसरे एस्टिमेट्स दिए हैं कॉस्ट के बारे में CF और OF सिस्टम के बारे में। इनिशियल कॉस्ट होगा वो 28,000 और 40,000, वो वन टाइम कॉस्ट रहता है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 24,000 पर एनम और 18,000 पर एनम रहेगा। रिक्वायर्ड इफ द कंपनी एक्सपेक्टेड द न्यू सिस्टम इधर CF और OF टू लास्ट एटलीस्ट फॉर 12 ईयर्स विच सिस्टम शुड बी चूजन कमेंट। अगर इसमें से कोई भी जो है वो 12 इयर्स के लिए यूज करने वाला है राइट, तो कौन सी प्रोडक्ट आपको चूज करनी चाहिए, कौन से सिस्टम आपको चूज करनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये तो इनिशियल कॉस्ट है वो एज इट इज रहेगा, फिर ये जो पर एनम एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हमें 12 इयर्स के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहां पर ये जो फाइनेंस कॉस्ट है 12% क्योंकि यहां पर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करना होगा, उन्होंने मना नहीं किया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है, तो ये जो 24,000 और 18,000 है उसको हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कंसिडर करना होगा राइट, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन यहां पर हमें दिया हुआ है CF और OF के बारे में है। इनिशियल कॉस्ट है 28,000 और यहां पर है 40,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर द लाइफ टाइम, तो जो 12% की प्रेजेंट वैल्यू है राइट वो 6.194, वो आपको कैलकुलेशन करना आधा होगा या फिर इवन आपको क्वेश्चन पेपर में वो दे भी सकते हैं राइट, क्वेश्चन में उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो टोटल दे सकते हैं। एन्यूटी फैक्टर 12 ईयर्स का 6.194 है, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपने जो SFM वगैरह में AFM वगैरह में भी आपने सीखा होगा तो वहां से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 24,000 CF में था तो 24,000 × 6.194 और यहाँ पर OF में 18,000 पर एनम था तो × 6.194। तो यहाँ पर टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट CF का है 176,656 और जो OF का है वो है 151,492। तो यहाँ पर हमें कौन सा चूज करना चाहिए, OF चूज करना चाहिए क्योंकि उसका टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट CF से कम है। यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट CF OF में ज्यादा था CF की कंपैरिजन में, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो CF में पर एनम ज्यादा था, इसीलिए जो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो OF का कम आया CF का ज्यादा आया। व्हेन वी कंपेयर ओनली द इनिशियल कॉस्ट वी विल टेंड टू परचेस CF सिस्टम फॉर इट्स चीप एक्विजिशन कॉस्ट, बट व्हेन वी कंपेयर द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट द OF सिस्टम इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर इट्स लोएस्ट टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसीलिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू, डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ। सिंपल इजी क्वेश्चन था राइट। देन इलस्ट्रेशन 4 है, लाइफ लिमिटेड विलिंग टू इंक्लूड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन इट्स कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्ट मैनेजर डिफाइन द फेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड एंड ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है उसके लिए उन्होंने अलग फेजेस डिफाइन किए हैं, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड एंड ऑफ लाइफ। Can you assist the management accountants to list the type of cost which will be significantly incurred at life limited under identified 4 phases? हमें ये जो चारों phases है उसमें कौन से type के cost होंगे वो उनको बताने रहेंगे। Although the 4 phases, the introduction, growth, maturity and decline, it may be possible for any organization to customize the model as per their need and wisdom to analyze the cost and corresponding revenue over the life of the product. जनरली इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है वो चार फेजेस है लाइफ साइकिल का, बट अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग फेजेस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चार फेजेस दिए तो उसमें कौन सा एक्सपेंसेस होंगे वो हमें बताने हैं। डिजाइन, तो उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड टेस्टिंग कॉस्ट हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो बराबर है या नहीं, तो उसके लिए टेस्टिंग कॉस्ट भी होगा।
मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मशीन सेटअप इन्वेंटरी ट्रेनिंग प्रोडक्शन मशीन मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकते हैं। काफी सिंपल है राइट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो जो बेसिक मटेरियल लेबर और ओवरहेड तो आपको याद आ ही सकता है। ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग एंड वारंटी क्लेम्स। यहाँ पर ऑपरेशन इन द सेंस जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनको सेल करना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट वारंटी क्लेम्स वगैरह एक्सपेंस होंगे। एंड ऑफ लाइफ में एनवायरमेंट क्लीनअप, अगर आपने कोई भी ऐसी फैक्ट्री या प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया है तो उसको क्लीनअप करना, वो साइट रिस्टोरेशन, ऐसे एक्सपेंसेस हो सकता है। डिस्पोजल एंड डीकमीशनिंग, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। सिंपल था राइट। तो वो कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। इट मे पॉसिबल दैट सर्टेन कैटेगरी ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ओवर मोर देन वन फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अलग अलग फेजेस, सॉरी अलग अलग जो कॉस्ट है वो मोर देन वन फेजेस में भी इनकर किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ दैट कॉस्ट कितना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट नीड्स टू बी इनकर्ड इन ईच फेज टिल मैच्योरिटी फेज, अर्लियर फॉर क्रिएशन एंड देन फॉर डिफरेंशिएशन, इवन इन डिक्लाइन फेज टू विद इंटेंट टू प्रोडक्ट एक्सटेंशन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है वो मोर देन वन फेजेस में भी यूज किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन या फिर जो अर्ली डिजाइन स्टेज है उसमें तो इनकर करेंगे ही, बट वो मैच्योरिटी फेज में प्रोडक्ट एक्सटेंशन डिफरेंशिएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इवन डिक्लाइन स्टेज में भी प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए, कि भाई थोड़े टाइम के लिए वो रिवाइव हो जाए, उस पर्पज से भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस किया जा सकता है। तो वो मोर देन वन फेजेस में भी वो एक्सपेंस हो सकता है। सिंपल। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग था, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया और दो इलस्ट्रेशन भी हमने कवरअप कर लिया। अब जो टेस्ट योर नॉलेज में तीन क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम देखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना ही चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। जो सेकंड क्वेश्चन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का है, पेज नंबर 4.59 पर दिया है। टीटी कंपनी लिमिटेड मेक्स डिजिटल वॉचेस। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट फॉर अ न्यू वॉच। डेवलपमेंट ऑन द न्यू वॉच इज स्टार्ट शॉर्टली। एस्टिमेट फॉर न्यू वॉच आर एस अंडर। हमें यहाँ पर ये जो न्यू वॉच जो लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में कुछ एस्टिमेशन दिए हैं। लाइफ साइकिल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 240,000। टोटल ये 240,000 यूनिट्स सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस पर वॉच ₹500। लाइफ साइकिल कॉस्ट में R&D एंड डिजाइन कॉस्ट है वो ₹80 लाख। टोटल ₹80 लाख है वो डिजाइन फेज पर डिजाइन के लिए एक्सपेंस करने वाला है R&D और डिजाइन में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच ₹120, जिसको हम 240,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच ₹4,000 और वॉचेस पर बैच 300 है, तो 240,000 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो हमें 800 बैचेस मिलेगी, जिसको 4,000 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो 1,12,00,000 है, तो उसको एज इट इज एड करेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर बैच ₹24 है और वॉचेस पर बैच 96 है, तो 240,000 डिवाइड बाय 96 इंटू 24 करेंगे तो वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है ₹8 लाख और टोटल एज इट इज ऐड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच 240 रुपीज है, तो उसको 240,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट ₹45 लाख एज इट इज ऐड करेंगे। कस्टमर सर्विस कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच ₹10, जिसको 240,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बजेटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू वॉच। कंप्यूट परसेंटेज ऑफ बजेटेड टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इनकर्ड टिल द R&D एंड डिजाइन स्टेजेस। टोटल कॉस्ट है उसके परसेंटेज हमें निकालने हैं कि R&D कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट कितना है। एडवाइस द स्ट्रेटेजीज टू बी अडॉप्टेड बाई द TT कंपनी लिमिटेड टू डेवलप अ न्यू वॉच। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 4.66 पर। सबसे पहले रेवेन्यू जो है 500 रुपीज इंटू 240,000 यूनिट्स, तो ये टोटल हमारा 12 करोड़ रुपीज हो जाएगा। फिर R&D को अब सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा, इसलिए R&D एंड डिजाइन कॉस्ट 80 लाख रुपीज को माइनस किया। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट है तो ₹120 इंटू 240,000, तो 2 करोड़ 88 लाख। बैच कॉस्ट जो है 240,000, हमें बताया था कि 3000 यूनिट्स की एक बैच है, तो 240,000 डिवाइड बाय 3000 इंटू 4000, तो 32 लाख वो हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1 करोड़ 12 लाख बताया था। मार्केटिंग कॉस्ट में भी बैच वाइज था, तो 240,000 डिवाइड बाय 96 यूनिट्स पर बैच जो थे इंटू ₹24 पर बैच, तो 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख दे दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट था पर यूनिट था, तो 240 इंटू 240,000 दैट इज 5 करोड़ 76 लाख। फिक्स्ड है वो 45 लाख है।
फिर कस्टमर सर्विस कॉस्ट वेरिएबल पर यूनिट था तो ₹10 240 तो 24 लाख। सो टोटल कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट का टोटल किया हुआ है वो है 11,65,60,000 और जो इनकम थी वो 12 करोड़ थी। तो उन दोनों का डिफरेंस ऑपरेटिंग इनकम 34,40,000। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी सिंपल सा था, राइट। आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, तो इन तीनों का टोटल हो सकता है, टोटल इनकम कितनी है या फिर टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं या फिर टोटल ऑपरेटिंग इनकम कैसी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। बाकी आईबीएस में आपको ये पूरा क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है। परसेंटेज ऑफ बजटेड टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इनकर्ड टिल द आरएनडी एंड डिजाइन स्टेजेस। तो ये जो टोटल कॉस्ट से परसेंटेज हमें निकालना है, सो ये 80 लाख रुपीज डिजाइन कॉस्ट है डिवाइड बाय 11,65,60,000, तो परसेंटेज होंगे 6.86%। टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो 11,65 लाख था, जिसमें से 80 लाख रुपीज डिजाइन कॉस्ट पर किया, जो परसेंटेज होता है 6.86%, जो काफी कम है, राइट। और यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजीज बताई गई है। जनरली क्या होता है कि जनरली लोग डिजाइन कॉस्ट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट का, वो कई बार 80% ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट भी होता है, बट यहाँ पर काफी कम है तो ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए। इसका जो आप ये डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, काफी सिंपल सा है, राइट। चलो जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं, पेज नंबर 4.59 पर आ जाइए। Mold and Dies M&D was established in 1980 and has enormous wealth of experiences in the mold manufacturing industry and serve a wide range of plastic molds all over the nation. Over the past decades, M&D has developed a reputation for quality products and services for a customer-focused approach. It deals in injection molds, blow molds, die sets, molds, bears, etc. राइट, अलग अलग मोल्ड्स बनाते हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है तो लोग इनको प्रिफर करते हैं, कस्टमर फोकस्ड इनका अप्रोच है। विथ अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, M&D इज एबल टू मीट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिमांड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। इट्स विजन एंड मिशन इज टू प्रोवाइड हाई क्लास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनका अप्रोच रहता है तो हाई क्लास प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं विथ क्वालिटी रॉ मटेरियल। M&D हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट M व्हिच इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड इनटू द मार्केट एंड एंटीसिपेट्स टू सेल 80,000 ऑफ दिस यूनिट्स एट अ सेल प्राइस ऑफ ₹300 ओवर द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल ऑफ 4 इयर्स। ये जो कंपनी है वो न्यू प्रोडक्ट M जो है वो लॉन्च करने वाले है, जो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल 80,000 यूनिट्स सेल होने का चांसेस है और उसकी सेलिंग प्राइस ₹300 होगी थ्रू आउट लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल 4 इयर्स की रहेगी। डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट एम आर एस फॉलोज। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड्स, डाइज एंड अदर टूल्स ₹8,25,000। डिजाइनिंग का एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹125 पर यूनिट, वो हम 80,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट ₹12,500 पर ईयर, वो 4 इयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ₹100 पर यूनिट जो 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ₹50,000 पर ईयर, 4 इयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वारंटी एक्सपेंस 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट्स एट ₹10 पर पार्ट्स। 5 रिप्लेसमेंट होते हैं पर 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स के सामने 5 यूनिट्स को रिप्लेस किया जाता है, तो 80,000 यूनिट्स में कितने किए जाएंगे वो हम देखेंगे और उसको ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मतलब कि 5 यूनिट्स के सामने 25 यूनिट्स, राइट। तो 80,000 यूनिट्स के सामने कितना किया जाएगा, सो 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 25 इंटू ₹10 करेंगे तो हमारा ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिल जाएगा, और वन विजिट पर 500 यूनिट्स कॉस्ट ₹500 पर विजिट। तो उसमें क्या है कि 500 यूनिट्स जो है उसके सामने एक विजिट किया जाता है, तो 80,000 यूनिट्स के सामने कितना होगा और उसके लिए पर विजिट ₹500 है, उसमें 80,000 इंटू 1/500 इंटू 500 करेंगे तो ये हमारा विजिट कॉस्ट मिल जाएगा, सिंपल है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द प्रोडक्ट एम्स लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड सजेस्ट टू वेज टू मैक्सिमाइज एम्स लाइफ साइकिल रिटर्न। वो कैसे करेंगे, चलो लाइफ साइकिल कॉस्ट तो काफी सिंपल सा है, राइट। वो हमने ऑलरेडी देख लिया, अब मल्टीप्लीकेशन वगैरह ही करना रहेगा। पेज नंबर 4.67 पर इसका आंसर दिया हुआ है।
कॉस्ट ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट वो सब कुछ तो आपको टोटल दिया था 8,25,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 125 इंटू 8,000 यूनिट 80,000 यूनिट्स 1 करोड़ रुपीज। सेलिंग कॉस्ट 100 इंटू 80,000 यूनिट्स प्लस 12,500 इंटू 4 क्योंकि वो ईयरली एक्सपेंस था 80,50,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 50,000 इंटू 4 ईयर्स रुपीज 2 लैक्स। वारंटी कॉस्ट जो है 80,000 बाई 25 यूनिट्स इंटू 5 पार्ट्स इंटू रुपीज 10 160। और उसी तरीके से दूसरा जो विजिटिंग कॉस्ट था 80,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 1 विजिट इंटू रुपीज 500 इज इक्वल टू 80,000। सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,90,000 और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि किस तरह से मैक्सिमाइज करते हैं कर सकते हैं एम की लाइफ साइकिल में से रिटर्न जो है। तो आरएनडी कॉस्ट है वो हो सके उतना हम कम रख सकते हैं। आरएनडी कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट कितना जितना कम होगा उतना ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगा और रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्योंकि कई बार 80% जितना तो आरएनडी कॉस्ट में चला जाता है, तो वो अगर नहीं होगा वो जितना कम होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा स्पीड अप द प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च जितना जल्दी हो जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस है। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं समझा हुआ है, सिंपल। अब जो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, वो हम समझते हैं पेज नंबर 4.60 पर आ जाइए। पीएनजी इंटरनेशनल लिमिटेड पीजीआईएल has developed a new product Alpha Cube which is about to be launched into the market. Company has spent rupees 30 lakhs on R&D of product Alpha Cube. It has also bought a machine to produce the product Alpha Cube costing rupees 11,25,000 with a capacity of producing 1100 units per week. PGIL है, उन्होंने न्यू अल्फा क्यूब करके जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपीज का आरएनडी कॉस्ट कर दिया है और उसके लिए स्पेसिफिक मशीन भी परचेस किया जो 11,25,000 यूनिट्स का है, जिसमें से 1100 यूनिट्स पर वीक बन सकते हैं, मैक्सिमम 1100 यूनिट्स बन सकता है। मशीन हैज नो रेसिडुअल वैल्यू। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चार्ज प्राइस दैट विल चेंज विथ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। वो जैसे जैसे सेल करते जाएंगे उस हिसाब से प्राइसिंग प्राइजेस भी चेंज होंगी। यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव सेल्स इन यूनिट्स दिया गया है और सेलिंग प्राइस दी है। 0 to 2,200 यूनिट्स जो होंगे उसमें 750 रुपीज प्राइस रहेगा। 2 to 01 to 7,700 यूनिट्स पर 600 रुपीज। 7,701 to 15,950 यूनिट्स पर 525। 15,951 to 59,950 यूनिट्स तक 450 रुपीज। और 59,951 एंड अबोव यूनिट्स पर 300 रुपीज प्राइसिंग रहेगा। तो यहाँ पर जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, 750, 600, 525, 450 और 300। तो ये हाई स्कीमिंग प्राइसेस है, हाई स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड है, राइट। पहले सबसे ज्यादा चार्ज करेंगे और धीरे धीरे वो डिक्लाइन करते जाएंगे। अगर मार्केट को पेनिट्रेट करना है तो पहले कम होगा और धीरे धीरे बढ़ सकता है, ये हाई स्कीमिंग प्राइसेस है, राइट। मतलब कि ज्यादा कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। Based on this selling price, it is expected that sales demand will be as shown below. यहाँ पर demand किस तरह से रहेगी? 1 to 10 weeks में 220 units, यहाँ पर जो sales demand है वो per week है, तो per week 220 units का रहेगा first 10 weeks में। Then 11 to 20, 550, 21 to 30, 825, 31 to 70, 1100, maximum 1100 per week वो produce कर सकते हैं, ऐसा machine है, उनसे ज्यादा produce नहीं किया जा सकता। 7180, 880, 81 to 90, 660, 91 to 100, 440, 101 to 110, 220, thereafter nil. मतलब कि ये decline stage कह सकते हैं, ये maturity stage, peak sell हो रहा है, सबसे ज्यादा sell हो रहा है, फिर धीरे धीरे decline हो रहा है। मतलब कि ये kind of introduction है, फिर यहाँ पर growth हो रहा है, that is growth stage, ये maturity stage और यहाँ पर decline stage कह सकते हैं। Unit variable cost are expected to be as follow. फर्स्ट 2200 यूनिट्स पर यूनिट 375 रुपीज कॉस्ट है। नेक्स्ट 13,750 यूनिट्स पर 300, देन 22,000 यूनिट्स 225, नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स 188 और देयर आफ्टर 225। अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसमें भी था कि कॉस्ट है यहाँ पर ज्यादा होगा इंट्रोडक्शन स्टेज पर, धीरे धीरे वो कम होगा ग्रोथ स्टेज पर, मैच्योरिटी स्टेज पर सबसे कम होगा और देन वो बढ़ सकता है क्योंकि ज्यादा हमें सेल खत्म करना है बात, इसीलिए। PGIL uses just-in-time production system.
Following is the total contribution statement of the product Alpha Cube for its introduction and growth stage. Just in time use कर रहा है, मतलब कि जिस तरह से डिमांड होगी उसी तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा और उसी हिसाब से परचेस भी किया जाएगा। तो ये जो 1100 यूनिट्स है वो पिक है, जितना मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी है उतना सेल कर रहे हैं, राइट। उनसे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, जस्ट इन टाइम है इसीलिए वो पहले से भी इन्वेंटरी को नहीं बनाकर रख सकता है, राइट। जस्ट इन टाइम ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में कवर अप किया हुआ है। अब यहां पर हमें इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में कितना सेल्स और कॉस्ट क्या है वो सब कुछ दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ, इंट्रोडक्शन 1 टू 10 वीक्स में, ग्रोथ 11 टू 30 वीक्स, जो हमने आगे भी समझा था, राइट। क्योंकि यहां पर क्या है, ये 220 यूनिट्स, फिर यहां पर बढ़ रहा है, ये पिक पर है और धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इवन ये जो एक्सपेंसेस है उस हिसाब से भी समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेज पर ज्यादा एवरेज कॉस्ट है, फिर ग्रोथ स्टेज में धीरे धीरे वो कॉस्ट कम हुआ, मैच्योरिटी स्टेज पर वो काफी कम हो गया, राइट। तो 1 to 10 वीक्स है, उसमें सेल कितना हुआ है, 220 पर वीक, इतना यूनिट सेल हुआ है। तो 220 इंटू 10 वीक्स करना होगा, और 11 टू 30 मतलब कि ये पहले 11 टू 20 में 550 और 21 टू 30 में 825 यूनिट्स है वो सेल किए गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 2200, यहाँ पर 5500 और 8250, यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है विथ 10 विथ 10, राइट। तो अब हमें रहा जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट है उसको कंसिडर करना होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो फर्स्ट 2200 यूनिट्स के लिए 750 रुपीज है, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर 2201 टू 7700 मतलब कि 5500 यूनिट्स के लिए 600 रुपीज रहेगा। फिर 7701 टू 15950 मतलब कि ये जो डिफरेंस है वो कुछ 8000 यूनिट्स का होगा, 8250 यूनिट्स के लिए होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है ये, मतलब कि यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपीज और यहां पर 8250 यूनिट्स के लिए 525 यूनिट्स। तो सेलिंग प्राइस 750, 600 और 525 यूनिट्स, इस तरह 525 पर यूनिट रहेगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां से हमें देखना है, फर्स्ट 2200 के लिए 375 रुपीज है, राइट। तो ये 375 रुपीज, फिर नेक्स्ट 13,750 यूनिट्स, मतलब अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे 5500 और 8250 तो इनका टोटल होगा 13,750। तो ये नेक्स्ट 13,750 के लिए 300 रुपीज, तो यहाँ पर 300 300। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमें दिया गया है, तो ये 375, 300 और 225, जिसको पर यूनिट सॉरी टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो 825, 1650 और 1,856,250, तो ये बराबर है, राइट। ये सही है, हमें ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ये भी आपको एज अ क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछ सकता है। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग टू स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब कि मैच्योरिटी और डिक्लाइन के लिए हमें इस तरीके का टेबल है वो बनाना रहेगा। डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब, वो कौन सी है, हाई स्कीमिंग प्राइसिंग, वो हमने समझा था। क्योंकि जो प्राइस है वो जैसे जैसे लाइफ साइकिल में वो बढ़ रहा है आगे, जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइसिंग कम हो रहा है, दैट इज हाई स्कीमिंग प्राइसिंग। और फाइंड पॉसिबल रीजंस फॉर द चेंजेस इन कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब, क्यों कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे पता चलेगा वो से R&D कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो धीरे धीरे लाइफ साइकिल में कॉस्ट है वो कम हो सकता है। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चलिए। तो मैच्योरिटी और डिक्लाइन के लिए भी हमें बनाना है। यहाँ पर जो मैच्योरिटी है वो हम कह सकते हैं कि ये 31 टू 70 जो वीक्स है उसमें मैच्योरिटी पर है, क्योंकि 1100 मैक्सिमम सेल हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए ये जो सारे है 71 वीक टू 110 वो डिक्लाइन स्टेज है, ये डिक्लाइन स्टेज है और ये मैच्योरिटी स्टेज है। तो यहां से हमें जो सेल्स की डिमांड है यूनिट्स है वो मिल जाएंगे, यहां से हमें सेलिंग प्राइस जो है वो मिल जाएगी, यहां से सेलिंग प्राइस और यहां से हमें कॉस्ट मिल जाएगा। चलो इसका आंसर हम देखते हैं, ये आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 4.68 पर, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैच्योरिटी में 31 टू 70 जो वीक्स रहेंगे, और उसमें हमें बोला था 1100 यूनिट्स पर वीक, तो 31 टू 50 मतलब कि 20 वीक्स, तो 1100 इंटू 20, 22,000, 51 टू 70, 22,000, राइट, सेम।
71 to 110 के लिए भी 22,000 होते हैं, उसके जो यूनिट्स हैं उनका टोटल करेंगे और उसको 10 वीक्स जो भी उनका वीक का जो ड्यूरेशन दिया था उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22,000 यूनिट्स। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो हमें दिया गया था तो उसमें देखेंगे, चलिए इसका भी आंसर हम साथ साथ में देखते जाएंगे तो ही पता चलेगा। तो जो हमें बोला गया था कि जो सेलिंग प्राइस है वो 59,51 to 59,950, तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 44,000 यूनिट्स होगा। तो जो 22,000 यूनिट्स जो है 44,000 यूनिट्स है वो पूरा ही मैच्योरिटी में सेल करने वाले हैं, तो तब सेलिंग प्राइस 450 रुपीज रहेगी और उसके बाद 300 रुपीज, तो ये डिक्लाइन स्टेज में 300 रुपीज सेलिंग प्राइस रहेगी। फिर इवन जो कॉस्ट पर यूनिट है वो नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स जो है उसके लिए रहेगा 225 और नेक्स्ट 22,000 है तो 188, तो ये भी मैच्योरिटी स्टेज का है इसीलिए 22,000 का अलग अलग दिखाया गया है क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों में अलग अलग है, पहले 22,000 के लिए 225 और नेक्स्ट 22,000 के लिए 188 और ये जो डिक्लाइन स्टेज है उसमें 225 रुपीज रहेगा, राइट। चलिए अब इसका आंसर उसमें देख लेते हैं, तो ये 450 और यहाँ पर 300 और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 225 और 188 जैसे हमने देखा और 225 इन डिक्लाइन स्टेज और कंट्रीब्यूशन इन दोनों का डिफरेंस लेकर हमें मिल जाएगा और टोटल है वो ये यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, राइट। तो मैच्योरिटी स्टेज का ये टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा और ये डिक्लाइन स्टेज का टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर हाई स्कीमिंग प्राइसिंग जो है स्कीमिंग प्राइसिंग है उसका यूज किया गया है, पहले ज्यादा होगा फिर कम होता जाएगा। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी हमने ये समझ लिया है और पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं कि क्यों चेंजेस हुए हैं इन द लाइफ साइकिल कॉस्ट, क्यों वो धीरे धीरे कम हुआ है, तो ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है उसी में से यहाँ पर ये पूरा आंसर लिखा गया है और यहाँ पर ये वर्किंग भी है, वर्किंग ऑलरेडी हमने समझ लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये आप एक बार देख सकते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो SPOM है उसके लिए तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इतना कुछ खास काम का नहीं है बट IBS में इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो ये पूरा हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टेस्ट योर नॉलेज के 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने समझा, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है, राइट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है वो कवर अप करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।